हेलो डियर किड्स, शेप्स फॉर किड्स। दिस इज सर्कल, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। दीज आर बेसिक शेप। और बच्चों, ये है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में कितनी साइड्स होती हैं? फोर साइड्स और फोर कॉर्नर होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उनको हम साइड्स बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? साइड्स। जैसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन एंड फोर्थ स्ट्रेट लाइन, दीज आर साइड्स। देयर आर फोर साइड्स इन अ स्क्वायर शेप। अब चलते हैं हम कॉर्नर्स की तरफ। और कॉर्नर्स किनको बोलते हैं? जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन की बीच की जो पॉइंट होती है उसको हम कॉर्नर्स बोलते हैं। देयर आर फोर कॉर्नर्स इन अ स्क्वायर शेप। ओके किड्स, अब चलते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। देयर आर ऑल्सो फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स इन अ रेक्टेंगल। दैट इज वन साइड, टू साइड, थ्री एंड फोर साइड। देयर आर फोर साइड्स इन अ रेक्टेंगल एंड कॉर्नर्स वन, टू, थ्री एंड फोर। देर आर फोर कॉर्नर्स इन अ रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट है ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड्स। थ्री साइड्स, वन कॉर्नर, टू कॉर्नर एंड थ्री कॉर्नर। थ्री कॉर्नर्स, दिस इज ट्राइंगल। नेक्स्ट है सर्कल। एंड सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर्स। सर्कल में कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर्स भी नहीं होता। तो देयर इज जीरो साइड एंड जीरो कॉर्नर्स। दिस इज सर्कल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।